दोस्तों YouTube की एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। YouTube ने एक ऑफिशियल अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया है एडिटिंग के लिए। और दोस्तों खास बात यह है, इसमें दोस्तों आप लोगों को कोई भी वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा। YouTube की तरफ से ये बिल्कुल फ्री है, आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो। आप लोगों को कैसे ये एप्लीकेशन मिलेगा, कैसे आप लोगों को यहाँ पे एडिट करना है, दोस्तों काइन मास्टर अगर आप लोग यूज़ करते हो उससे भी बहुत ज़्यादा आसान है ये वाला एप्लीकेशन। अगर दोस्तों आप लोगों को एक बार ज़रूर इसे ट्राई करना चाहिए, YouTube का ये जो एप्लीकेशन है क्रेटा बीटा। तो दोस्तों अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे इस पे एडिट करना है, कैसे आप लोगों को यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ए टू जेड सेटिंग बताऊंगा आप लोगों को कैसे एडिट करना है, कैसे आप लोगों को म्यूज़िक लगाना है, कैसे आप लोगों को यहाँ पे ट्रिम करना है, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और ये काफ़ी ज़्यादा काइन मास्टर से भी बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। इसको कोई बच्चा भी अपनी वीडियो को अब एडिट कर सकता है यूट्यूब की इस एप्लीकेशन के बाद। अब दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ YouTube की वो कौन सी एप्लीकेशन है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है YT Create। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे। अब मैं दोस्तों आप लोगों को अपने प्ले स्टोर में इसको दिखा देता हूँ YT Create। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन आप लोगों के बहुत ही काम आने वाली है, बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप लोग काइन मास्टर में वाटरमार्क हटाना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देख ली है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये वाली एप्लीकेशन को ज़रूर ट्राई करना चाहिए जिसका नाम है YT क्रिएट। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ YT क्रिएट। तो दोस्तों YT स्टूडियो की तरह ही YT क्रिएट। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो यूट्यूब क्रिएट, यहाँ पर दोस्तों मुझे ये मिल चुका है। तो आप लोग यहां पे सर्च करोगे तो आप लोगों के सामने भी आ जाएगा, आप लोगों को इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग डाउनलोड करोगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहां से आप लोगों को प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हो तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों से फोटो और वीडियो आप लोग देख सकते हो, दो ऑप्शन आप लोगों के सामने दिखा रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो एडिट करना है तो वीडियो सिलेक्ट करें, अगर आप लोगों को फोटो एडिट करना है तो आप लोग फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करें। इसके बाद दोस्तों यहाँ से जैसे आप लोग अपनी फ़ोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट करें, इसके बाद यहाँ पर इम्पोर्ट कर दें। जैसे आप लोग अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करोगे उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर इम्पोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप लोग अपनी फ़ोटो को यहां से क्लिक करके ट्रिम भी कर सकते हो। ये कॉर्नर पे आप लोगों को ट्रिम का भी ऑप्शन यहां पे मिल रहा है। आप लोग कॉर्नर पे देखोगे तो यहां से आप लोग ट्रिम भी कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आप लोगों को इस पर फ़िल्टर भी करना है तो आप लोगों को फ़िल्टर का ऑप्शन मिलता है, स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है, इफ़ेक्ट, एडजस्ट और रोटेट, रिप्लेस। आप लोगों को पता है रिप्लेस किस काम आता है, रीएंज और डिलीट और डुप्लीकेट। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस एप्लीकेशन को कैसे आप लोगों को यूज़ करना है, और ये काफ़ी ज़्यादा काइन मास्टर से यूज़फुल है। तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे एक एरो दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप लोग काइन मास्टर पर यूज़ करते हो तो आप लोगों को जैसे आप लोगों ने पहले लेयर ली, लेयर के बाद आप लोग वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों इस पर आप लोगों को ओवरले आप लोगों को इस पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब आप लोग जाके किसी भी वीडियो को वहां से उठा सकते हो, डुप्लीकेट वीडियो को। तब आप लोग इस फ़ोटो के ऊपर किसी भी वीडियो को लगा सकते हो या वीडियो के ऊपर किसी भी फ़ोटो को आप लोग लगा सकते हो। अब दोस्तों आप लोगों को इस पर म्यूज़िक कैसे लगाना है वो आप लोग ज़रा ध्यान से देख लें, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स का कमेंट आएगा म्यूज़िक से रिलेटेड, तो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों म्यूज़िक आप लोगों को यहाँ पे साउंड का ऑप्शन दिखेगा, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो साउंड इफ़ेक्ट, यहाँ से दोस्तों आप लोगों को क्रिएट ए चैनल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप लोगों ने उस जीमेल अकाउंट से यहाँ पे साइन अप करा है जिस जीमेल अकाउंट से आप लोगों का यूट्यूब चैनल है, तो दोस्तों आप लोगों का जो YT स्टूडियो है डायरेक्टली ओपन हो जाएगा और वहीं से आप लोगों को कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप लोग अपनी लाइब्रेरी से कोई भी म्यूज़िक उठाना चाहते हो तो यूअर लाइब्रेरी पे आएंगे और यहाँ से आप लोगों का जो भी म्यूज़िक है उसे सिलेक्ट करेंगे, आप लोगों का काम हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे कोई भी म्यूज़िक मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं ये वाला म्यूज़िक ले लेता हूँ। अब इस म्यूज़िक को लेने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है इम्पोर्टिंग होने में, तो यहाँ से 2-4 सेकेंड में ये इम्पोर्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो म्यूजिक है इम्पोर्ट हो गया है ना, ये दोस्तों ये म्यूजिक इम्पोर्ट हो गया है। आप लोग अब यहाँ पे अगर आप लोग और भी कुछ करना चाहते हो, जैसे इन जो फोटो है आप लोगों को फोटो को वीडियो में आप लोगों को कन्वर्ट करना है, तो आप लोगों को दोस्तों अगर ये बनाना है एक वीडियो प्रॉपर, तो आप लोग यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं फ़ोटो को। आप लोग वीडियो फ़ोटो की जगह आप लोग वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओवरलैप पे आप लोग जब जाएंगे यहाँ से आप लोग वीडियो पे सिलेक्ट करेंगे, आप लोगों को वीडियो भी यहाँ पे इंपोर्ट करनी होगी। इंपोर्ट आप लोगों की वीडियो भी हो जाएगी, आप लोगों का फ़ोटो भी रहेगी और वीडियो भी आप लोगों की इंपोर्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो आप लोगों यहाँ पे देख सकते हो कन्वर्टिंग जो आप लोगों की हो रही है, ये आप लोगों की इंपोर्ट हो रही है। आप लोगों की वीडियो कुछ टाइम लेता है, उसके बाद आप लोगों की वीडियो इंपोर्ट हो जाएगी। अब दोस्तों जैसे ही आप लोगों की वीडियो इंपोर्ट हो गई, तो आप लोग इस वीडियो को यहाँ पे वीडियो पे भी रख सकते हैं, या तो आप लोगों को जैसे म्यूज़िक चाहिए हो उस वीडियो का तो आप लोग उसका साउंड भी यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों जैसे ये वीडियो तैयार हो गई है, अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप लोगों को एक बार इसे चला के देख लेना है। अगर ये आप लोगों की सही है, आप लोगों की फ़ोटो इमेज यहाँ पर सही है, सब कुछ सही है, तो दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, 3 डॉट पर ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट पर जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे ऊपर, तो आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा एक्सपोर्ट का, तो आप लोगों को एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे हाई आप लोगों को रख लेना है, 180 आप लोगों को करके यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से आप लोगों की जो वीडियो होगी वो एक्सपोर्ट हो जाएगी, आप लोगों की लाइब्रेरी में डायरेक्ट आ जाएगी। अगर दोस्तों ये यूट्यूब का एप्लीकेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अभी जाके इसे डाउनलोड करें, अगर आप लोग काइन मास्टर से परेशान हो गए हो तो।